नमस्ते दोस्तों, रिंकीज होम गार्डन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है लक्स पर। दोस्तों लक्स पर को कंटेनर या पॉट में ग्रो एंड केयर करने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, पॉट या कंटेनर साइज। लक्स पर को आप सीडलिंग स्टेज में एक 3 या 4 इंच के पॉट में बैठाना, सिर्फ गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिलाकर। और ये जब करीबन 6 इंचेस का हो जाए तब आप इसे एक 8 या 10 इंच के कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर टू, सॉइल और सॉइल मिक्स। लक्स पर के लिए आपको एक लाइट वेट और वेल रेड सॉइल लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप 30% गार्डन सॉइल, 30% भार्मी कॉम्पोस्ट या लीफ कॉम्पोस्ट या काउडंग कॉम्पोस्ट, 20% सिल्वर सैंड और 20% कोकोपीट या वुड डस्ट लीजिएगा। और उनके साथ 2 टीस्पून बोन मील, 1 टीस्पून मस्टर्ड केक पाउडर और 1 टीस्पून नीम केक पाउडर ऐड कीजिएगा। और इन सबको एक संग मिलाकर आप लक्स पर को बिठाइएगा। पॉइंट नंबर थ्री, सनलाइट। लक्स पर पौधे को आप फुल सनलाइट में ही रखिएगा या फिर मिनिमम 6 या 7 घंटे धूप में रखिएगा। पॉइंट नंबर फोर, वाटरिंग। लक्स पर मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं, पर इनको सॉगी सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ज्यादा पानी से इनके रूट्स डैमेज होकर ये पौधे मर भी सकते हैं। तो जब गमले के ऊपर का मिट्टी सूख जाए आप तभी वाटरिंग कीजिएगा। पॉइंट नंबर फाइव, फर्टिलाइजर। पौधे लगाने के 10 दिन बाद से ही इनको लिक्विड मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर DAP के साथ एक संग मिलाकर पौधे पर दीजिएगा, हर 7 दिन के इंटरवल पर। लिक्विड मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर DAP के साथ मिलाकर कैसे तैयार करते हैं ये आपको मेरे वीडियो नंबर 37 में मिल जाएगा, आप प्लीज देख लेना। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दी है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और जब इनमें फ्लावर बर्ड्स दिखाई दे तो आप चाहे तो इनको NPK 10:20:20 रेशियो का दे सकते हैं, या फिर 1/2 टीस्पून यूरिया, 1 टीस्पून सुपर फॉस्फेट और 1 टीस्पून पोटाश को एक संग मिलाकर उनमें से 1 टीस्पून प्लांट पर दीजिएगा। ये भी आपको 7 दिन के गैप पर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सिक्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पौधे को लगाने के 10 दिन बाद से ही आपको PGR जैसे कि मिराकुलन हर 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप मिलाकर पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिएगा, हर 15 दिन के इंटरवल पर, टोटल 3 बार कीजिएगा। इससे पौधे का ग्रोथ अच्छे होंगे। पॉइंट नंबर सेवन, पेस्टिसाइड। पौधे लगाने के 7 दिन बाद से ही इनको डायमेथॉइड 30% वाला पेस्टिसाइड जैसे कि रोगर, टफकर या रोगर प्लस हर 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप मिलाकर पौधे पर स्प्रे कीजिएगा, हर 10 दिन के इंटरवल पर। और अगर आप चाहे तो आपकी चॉइस का दूसरा कोई भी पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर एट, फंगिसाइड। लक्स पर को लगाने के 10 दिन से ही आपको इन पर फंगिसाइड जैसे कि साफ, ब्लाइटॉक्स या बेबीस्टिन हर 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून मिलाकर पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिएगा, हर 15 दिन के इंटरवल पर। पॉइंट नंबर नाइन, डेड हेडिंग या पिंचिंग ऑफ। जब इनके फ्लावर्स खिलकर सूखना या झड़ना शुरू करे तभी आपको उन फ्लावर्स को कट कर देना पड़ेगा ताकि पौधे में नए ब्रांचेस निकले और ज्यादा फ्लावरिंग आए। पॉइंट नंबर 10, टॉक्सिसिटी। दोस्तों लक्स पर पौधे टॉक्सिक है, इसलिए इनको आप बच्चों से दूर और पेट से दूर रखिएगा। पॉइंट नंबर 11, एक्सीलेंट कट फ्लावर्स। लक्स पर पूरे विश्व में एक बहुत ही पॉपुलर फ्लावर है, तो ये फ्लावर बोके में भी लगते हैं और आप चाहे तो अपने घर के फ्लावर बास में भी इसे रख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब टिप्स फॉलो करने से ही आप अपने घर में लक्स पर फ्लावर्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक बहुत ही अच्छे से रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।